यहाँ पर हमें एक मैट्रिक्स है जिसका साइज m बाई एन है और m यहाँ पर लेस देन है n ए की जो रैंक है वो m है तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा फॉर एवरी बी इन आर एम एक्स इक्वल्स टू बी यूनिक सोलूशन यूनिक सोल्यूशन होने के लिए आपको क्या होना चाहिए रैंक ऑफ ए इक्वल्स होना चाहिए रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और इक्वल्स होना चाहिए नंबर नंबर ऑफ़ ऑफ़ वेरिएबल 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 पर जो है, आपके एन है लेकिन जो रैंक है ए की वो लेस देन एन है यानी कि जो रैंक है वो एम है और ये लेस देन है एन से तो आपका कभी भी यूनिक सोल्यूशन नहीं हो सकता है ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो जाता है ऑप्शन बी की बात करते हैं ए एक्स इक्वल्स टू बी हैज अ सॉल्यूशन बट इट इज नॉट यूनिक नॉट यूनिक सोल्यूशन होने के लिए आपके पास ये कंडीशन होना जरूरी है कि रैंक ऑफ कॉफिशियंट मैट्रिक्स इक्वल्स टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यहाँ पर एक की जो रैंक है वो एम है एम मतलब यहां पर सारे रो में ऑल पाईवर्ड्स हैं यानी कि ऑल रोज कंटेन पाइवट पाइवट एलिमेंट है तो एक ही रैंक और अगोमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक सेम हो जाएगी और सेम होने से सल्यूशन एग्जिस्ट करता है लेकिन उसने लिखा है क्योंकि यहाँ पर जो रैंक है वो एम है और एम लेस देन एन है एन क्या है नंबर ऑफ वेरिएबल तो यहाँ पर यूनिक सल्यूशन नहीं होगा सल्यूशन जो होगा वो इनफाइनाइटली मैनी सल्यूशन होगा लेकिन लिखा है फॉर एवरी बी इन आर एम ए एक्स इक्वल्स टू बी हैज सोल्यूशन बट इट इज नॉट यूनिक वो यूनिक नहीं होगा तो ये बात उसकी बी आपका कुछ भी हो सोल्यूशन होगा लेकिन वो यूनिक नहीं होगा ये ट्रू होना चाहिए ऑप्शन सी की बात करते हैं देर एग्जिस्ट बी इन आर एम फॉर विच एक्स इक्वल्स टू बी हैज नो सोल्यूशन नो सोल्यूशन तो कभी नहीं होगा इसलिए ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट होगा